एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम बहुत अमेजिंग वेदर, तो मम्मा और बेबी निकल गए। कहाँ जा रहे हैं? वो स्टेशन नहीं जा रहे, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। बहुत पानी है मम्मी। हट जाओ भैया। ओके, लेट्स गो। सो यहाँ हो रही है बहुत तेज बारिश और हम दोनों घूमने निकले हैं बारिश में। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, बस तैयार होके निकल गए हैं। तो लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं और आज हम क्या करेंगे। अभी तो लग रही है भूख, तो कुछ खाने चले मीवा? हाँ। क्या खाओगे? कुछ नहीं, वो भूख नहीं लग रही। भूख नहीं लग रही? नहीं, मुझे तो लग रही है। तो हम चलो कहीं तो चलते हैं। क्या खाओगे? पिज्जा, बर्गर, रोटी, सब्जी? हाँ। क्या? हाँ, सही बात है, सब सही बात है। गलत बात क्या होती है? यहाँ पर फंस गया। पानी कितना भरा हुआ है हर जगह। कहाँ पहुंचे मेवांशु? ग्रीन लाइट, लेट्स गो। ग्रीन इज फॉर गो। ज्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है। हम जा रहे फ्लाईओवर पे। जब भी बारिश होती है ना, इतना खूबसूरत लगता है ना शहर। आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल है। ऐसा लगता है जयपुर का कोई भी इंसान शायद ही घर में रहता होगा, सबके सब बाहर होते हैं। हर जगह फुल मिलेगी और ग्रीनरी तो आप मेरे शहर की देख सकते हो। बिकॉज लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, हम आ गए हैं थोड़ी सी पेट पूजा करने। खाना दे दो भाई, बहुत भूख लग रही है, जान जा रही थी भूख से। फाइनली खाना आया और बस कुछ नहीं बचा, पूरा खत्म कर गए हम लोग, इतनी भूख लगी थी हम लोगों को। और निकल गए हैं हम लोग कहीं घूमने, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम एक्चुअली गाड़ी से नहीं निकल पा रहे थे। पूरा रास्ता हमें बारिश मिल रही थी, 2 मिनट के रुक रही थी, अगेन बारिश हो रही थी। तो आप पूरे शहर को गाड़ी के थ्रू देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको पूरा सिटी कवर किया मैंने। तो आप देखना कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है ये, आपने बहुत सारे वेडिंग फोटोशूट्स या फिर यू नो रील्स वगैरह में देखा होगा। लोग यहाँ सुबह सुबह और इवनिंग्स में आके इवन नाइट शूट भी यहाँ करते हैं, बहुत सारी शूटिंग होती है और बहुत ही सुंदर लोकेशन एकदम। एंड इट्स रेनिंग गाइस, फाइनली बारिश वाली वीडियोस आर आउट। महाराजों के टाइम ना यही गेट्स हुआ करते थे, तो मेन सिटी में एंट्री करने के लिए इन गेट्स के थ्रू ही एंटर करना पड़ता था। और आज भी वैसे ही पूरा मार्केट
उनके ऊपर घर बने हुए हैं, वो ये पूरा जो आप देख रहे हो ये ओल्ड सिटी कहलाता है, जहाँ आपको पुरानी दुकानें और सारा ट्रेडिशनल राजस्थानी सब कुछ इधर ही मिलेगा। बहुत बड़ा एरिया है और बहुत भीड़ होती है, पर बारिश की वजह से थोड़ा सा रास्ता क्लियर था, पर हम हवा महल और जयमहल की साइड नहीं जा पाए क्योंकि एक्सट्रीम लेवल ऑफ ट्रैफिक, एज यू नो थोड़ा सा बारिश हुआ, वेदर अच्छा हुआ और पूरा का पूरा शहर बाहर होता है घर के, तो हम भी वही कर रहे थे। सो बाहर बाहर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है, ऑलमोस्ट गाड़ी के अंदर से आपको पूरा शहर हम ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन कुछ लोकेशन शायद हमने उतर के भी एक्सप्लोर कर रही है। ब्यूटीफुल पीकॉक के साथ खुद जाम मिलाया हमें। रास्ते में ना किसी मैंने ऑटो वाले के पीछे ये बैनर देखा था, तो हम ऑडिटोरियम की तरफ आ गए जहाँ पे ओपी शर्मा का मैजिक शो लगा हुआ था, बट वो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी और वीडियो में जरूर मिलेगा। सो गाइस फाइनली पूरा शहर हमने ऑलमोस्ट घूम लिया बारिश में, और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई, कभी रुक रही है कभी हो रही है। कुछ कहना चाहते हैं? मजा आया क्योंकि ये बाइक नहीं चला पाया तो बेचारा बहुत दुखी है। बाइक चलानी है? यस चले। रेन में कैसे बाइक चलाएंगे? ऐसे चलाएंगे बाइक, मत करो। तो लेट्स सी, अभी थोड़ी थोड़ी जगह और बची है, तो रास्ते में जितना घूम के हम दिखा सकते हैं तो वो हम दिखाते हैं। अभी हमारे सामने क्या है, विधानसभा है, आपको मैं उसका व्यू दिखा। ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, यहाँ पर भी ड्रिजलिंग शुरू हो गई थी बट स्टिल इसने इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे उतर के ही देखना है, सारा एक्सप्लोर करना है, तो वी वर लाइक कि ठीक है क्योंकि शेड में है और बीच में पूरी बारिश हो रही थी, तो हम उतर के हम दोनों ने ही वीडियोस बनाए और इसको पूरा मैंने दिखाया। ये एक्चुअली आर्मी का एरिया है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत सुंदर बना हुआ है यहाँ पे इवनिंग्स में, और बीच में गार्डन है, पीछे स्टेडियम है, तो बहुत अच्छा लोकेशन आता है। सामने विधानसभा, तो यहाँ बहुत लोग आते हैं, लाइक अ चौपाटी टाइप बन जाता है शाम के टाइम, और ड्रिजलिंग हो रही थी, हम उसी में भीगते हुए हमने क्रॉस किया है भाग भाग के। डांसिंग बॉय चलो। सब चीज़ों को घूमते हुए फिर लग गई थी बहुत ऐसी भूख, शाम हो गई थी, तो हम बर्गर फार्म आए, एंड ट्रस्ट मी बर्गर फार्म के सारे बर्गर्स बहुत अमेजिंग है, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। अंदर का इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा था, बहुत ही जल्दी सर्विस भी थी, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग भी और क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो बर्गर फार्म ज़रूर ट्राई करना।
एक के बिना तो भाई लाइफ अधूरी है। मुझे रोड साइड पे ये वैन टाइप का दिखा, मुझे ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो मैंने ट्राई मारा। ये था कुछ पॉपकॉर्न समथिंग, हाँ पॉपकॉर्न कुछ था, एंड इट वाज सो गुड। सच में स्टारबक्स की याद आ गई, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत अमेजिंग। मैंने ज़रूर से मैं इसको नेक्स्ट टाइम ट्राई मारने वाली हूँ। अगर आप इस रोड से गुजर रहे हो ना सी स्कीम में, तो प्लीज़ प्लीज़ डू ट्राई, बहुत बहुत और बहुत ही अच्छा है, एकदम डिफरेंट टेस्ट था। और फिर आई थिंक सारे शेक्स अच्छे ही होंगे क्योंकि ये वाला अच्छा था। फिर हम चल दिए अपने नए फ्लाईओवर को घूमने। था हमारा सुहाना मौसम में सुहाना सफर, बारिश के मजे लेते हुए अपना शहर घुमाया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।